Hello student, good afternoon to everyone. Now we start chemistry lecture. और आपको मैंने शील्डिंग इफेक्ट वगैरह पढ़ा दिया, तो आपने बनाए होंगे, सारे ने बनाए ना? ओके, तो आपका टेस्ट सिलेबस में मिला होगा. तो टेस्ट सिलेबस में आपका एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज आयनेशन पोटेंशियल. ओके, नाउ स्टार्ट आयनेशन पोटेंशियल. पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, मीनिंग समझने के बाद हम कंपेयर करेंगे, मीनिंग समझेंगे और कंपेयर करेंगे. ध्यान दो पहले मीनिंग. अब मान लो सोडियम है 281, मान लो एमजी है 282. अब आउटर सेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं. टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, लिखते चलो सारे. टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट लूज देयर इलेक्ट्रॉन. बराबर है क्या? तो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट लूज देयर इलेक्ट्रॉन. टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज लूज देयर इलेक्ट्रॉन. अल्मोनियम भी ले लेते हैं. बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं. बराबर है क्यों ऑक्टेट कंप्लीट करना है? व्हाई दे कम लू है why they complete their octet? to gain their stability. तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि इसका ऑक्टेट में स्टेबल नहीं है. टू गेन देयर स्टेबिलिटी एटम लूज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन. टू गेन देयर स्टेबिलिटी एटम लूज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन. टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या डुप्लेट, समटाइम डुप्लेट या समटाइम ऑक्टेट. To gain their stability, atom lose their outer shell electron to complete their octet या duplet. बराबर है? Okay. Now listen here. अब ये octet जो इसको lose करना है, जो हमने आसानी से बोल दिया to lose their outer shell electron, ये लूज करना इतना आसान नहीं है. क्यों आसान नहीं है? टू लूज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजी. इतना आसान नहीं है को आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे. क्यों? हमने कल ही अभी पढ़ा शील्डिंग इफेक्ट. इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन क्या कर रहा है? अट्रैक्शन में है. तो आसान क्यों नहीं है? क्योंकि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन या आउटर सेल नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए वो अपने मर्जी से आसानी से लूज नहीं कर देते. बराबर है क्या? तो अपने मर्जी से आसानी से लूज नहीं करेंगे. कोई डाउट है?
तो टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इजी, क्यों इजी नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये अट्रैक्शन में है, इतना लिख लिए। तो कुछ एटम जो है अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, क्यों? ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं आसान होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस जो है अपने तरफ उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्टेड अट्रैक्शन कर रहा है। हटा दो इसको, क्लियर हुआ सारे स्टूडेंट? तो हमें यहां दो चीजें सीखने को मिले कि आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करना है और लूज करना आसान भी नहीं है। तो एग्जाम्पल पे समझते हैं कि आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को हमें लूज करना है और इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्शन में और हमें इसको लूज करवाना है। ये लूज करना इतना आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहां से एनर्जी सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। और ये एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है या लाइट के फॉर्म में हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है। तो हम इसको हीट दे के इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। थोड़ा सा इमेजिनरी है सोचना कि हम उसको हीट दे के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, बराबर है क्या? या एनर्जी दे के हम उसको बाहर निकालते हैं। इसी एनर्जी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन इंथेल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बराबर है? अब क्या होता है, इसके डिफिनेशन का अगर हम बात करें तो ये जो सोडियम होता है, पहले इसको गैसियस स्टेट में लाया जाता है। जो सोडियम होता है वो, जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाला गया तो सोडियम जो है सॉलिड स्टेट में होता है और ये जो होता है वो गैसियस स्टेट में बनाना पड़ता है। तो एक सॉलिड को गैस में बनाने के लिए हीट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब जानते हो ना, जैसे आइस को वेपर बनाना है, नेप्थलीन बॉल देखते हो उसको वेपर बन जाता है, कपूर वेपर बन जाता है। तो सॉलिड को गैस बनाना है तो हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब यहां से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा और ये सोडियम प्लस बन जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां लूज हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज होता है तो क्या बनता है, केटायन। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने आप लूज नहीं होता है, अपने मर्जी से लूज नहीं होता, हम लूज करवाते हैं, हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। और ये जो एनर्जी सप्लाई करते हैं लूज करवाने के लिए, तो कुल मिला के हमारा फोकस पॉइंट यही होना चाहिए कि जो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हैं उसमें हम एनर्जी देते हैं, तब जाके एनर्जी लूज होता है। तो हमारा इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा। अगर कोई गैसियस एटम नहीं है तो गैस में बनाना पड़ेगा, यानी उसको अगर सॉलिड में भी है तो गैस में लेके जाना पड़ेगा, तब उसमें से हम एटम को निकालेंगे। तो इन एन गैसियस एटम, इन एन गैसियस एटम, पहला पॉइंट गैसियस एटम से। तो कहने का मतलब ये नहीं कि केवल गैस के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर सॉलिड में भी है तो हम गैस में उसको लेके जाएंगे। इन एन गैसियस एटम रिक्वायर्ड एनर्जी कितना एनर्जी हमने दिया, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। इन गैसियस एटम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फॉर वन मोल एटम। अब वन मोल क्या है ये आगे समझाएंगे। तो किसी भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में
required energy to remove outer shell electron for one mole atom. अब एक मोल क्या है, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनेशन एनर्जी. दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी और इट इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल. ये एनर्जी का यूनिट है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किलो जूल पर मोल में होगा या किलो कैलोरी KCL, किलो कैलोरी है पर मोल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल. तो ये एनर्जी का यूनिट है. तो कुल मिला के सिंपल लाइन ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे उस एनर्जी को हम नाम देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी. तो डायग्राम से बिल्कुल क्लियर होता है, ये है सोडियम. सोडियम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एट्रैक्शन में है तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए. तो फोर्स लगाने के लिए हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, और एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, और ये Na+ बन जाएगा. ये ऑक्टेट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, स्टेबल हो गया, बट चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं. तो इट इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट. तो इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में हमने जितना एनर्जी लगाया दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. ये सबको मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, वैष्णवी ने भेजा है कि दैट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक. हाँ बिल्कुल, ये एंडोथर्मिक होता है. तो हम इस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे आएंगे, बट हम तुम्हें अभी मीनिंग समझा रहे हैं. तो ये बिल्कुल एक्सोथर्मिक होगा, 100% करेक्ट है. तो सबको ये चीजें समझ में आया, मीनिंग क्या होता है? आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगाएंगे उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी. अब ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, हमने इसको खींचना है, सोच लो ऐसे खींचना है. तो खींचना है इसका मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, और जितना एनर्जी देंगे बाहर निकालने के लिए. अब तो कोई तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों निकाल रहे हैं हम, तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. कोई पूछे ऑक्टेट क्यों कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ऑक्टेट से उसकी स्टेबिलिटी गेन होती है. यानी जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं तो हम मान के चलते हैं उसमें स्टेबिलिटी आ गई अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट. तो एनर्जी सप्लाई क्यों कर रहे हैं, आंसर हो गया तुम्हारे पास, क्यों एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं? आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए. तो निकालने के लिए क्या एनर्जी सप्लाई करना जरूरी है क्या? हाँ. क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, तो इसको बाहर निकालना है तो खींचना पड़ेगा ना, बराबर है क्या? तो हर चीज का आंसर होना चाहिए. पहला पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी क्यों सप्लाई करते हैं? तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. क्यों बाहर निकालना जरूरी है? अच्छा, एनर्जी सप्लाई क्यों करते हैं? तो बाहर निकालना तो है ही, ये अट्रैक्शन में है, तो अट्रैक्शन में है तो इसको खींचना पड़ेगा, तो खींचने का काम एनर्जी करेगा. क्यों बाहर निकालना जरूरी है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है. ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना है? इसको स्टेबिलिटी गेन करना है, बराबर है क्या? और कोई भी चीज अनस्टेबल से क्या होना चाहता है? स्टेबल. यहां जो है वो 281 है, और यहां जो है वो 2 और 8 है. यहां आउटर में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, और यहां 2 और 8 और 1 है. तो व्हाई वी नीड टू सप्लाई एनर्जी टू रिमूव एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन. हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए. तो मैं यहां पर क्वेश्चन के टर्म में दे रहा हूं, तुम उसका आंसर लिख लोगे. व्हाई नीड टू सप्लाई एनर्जी, व्हाई नीड टू सप्लाई एनर्जी टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन. पहला क्वेश्चन, व्हाई नीड टू सप्लाई एनर्जी टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन. क्यों जरूरी है इसको
एनर्जी देना, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई वी नीड टू रिमूव, व्हाई नीड टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्या जरूरी है कि हम आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की क्या गरज पड़ गई हमारी? और जब गरज पड़ भी गई तो हम एनर्जी क्यों देते हैं उसको? तो इसका आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए। क्या गरज पड़ गई उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए? अगर गरज पड़ भी गई तो एनर्जी क्यों देते हैं? क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई नीड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑफ एन एटम, क्या जरूरी है कि उस एटम का, कोई अगर बोले कि सर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो क्या जरूरी है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है? तो अब एक एटम को इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते हैं इसलिए कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट क्यों बाहर निकालते हैं? ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाए। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐसा काम करते हैं तो उसमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा। तो सप्लाई क्यों करते हैं? तो तीन क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए, और तीन क्वेश्चन का आंसर मैं अभी इसी में, जो इसके डिफिनेशन में, मीनिंग में तुम्हें मैं बता दिया। तो इसका ये मीनिंग कंप्लीट हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, वाई न्यूड टू रिमूव आर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वाई न्यूड निकालने के लिए क्यों निकालते हैं? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो निकालने के लिए जितना एनर्जी सप्लाई करते हैं, क्यों सप्लाई करना जरूरी है? तो आप क्यों जरूरी है? क्योंकि अट्रैक्शन है। तो जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसको निकालने के लिए, डायरेक्ट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं उस समय वो एटम किस फेज में होना चाहिए? गैसियस फेज में होना चाहिए, और ये एक मोल के लिए होता है। अब एक मोल तुम्हें आगे समझाएंगे, बराबर है? अब हम नेक्स्ट आते हैं, टॉपिक हमारा है कंपेयर, कंपैरिजन। अब हम करते हैं कंपैरिजन, कंपेयर करेंगे कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है और किसका कम है। तो सोचो जरा, यहां पे अगर सोडियम आ जाए, क्वेश्चन नंबर वन, सोडियम आ जाए और पोटेशियम आ जाए। अब सोडियम के तीन ऑर्बिट होता है और पोटेशियम के चार ऑर्बिट होता है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब जब बाहर निकालना है तो यहां एनर्जी देना पड़ेगा और यहां एनर्जी देना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों जगह सेम देना पड़ेगा, एक जगह एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा और एक जगह एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो इस बात को आप सोचो कि किसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो हमें वही टॉपिक पढ़ना है, हमें कंपेयर, तो हमें कंपैरिजन की तरफ जाना है, ठीक है? तो हमें कंपेयर करना है, तो इसमें और इसमें किसमें ज्यादा देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर टू में कि सोडियम में और कैल्शियम में, सोडियम का क्या होता है? 281 और कैल्शियम में कितना होता है? 282। अब मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो किसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा? इसमें देना पड़ेगा या इसमें देना पड़ेगा, बराबर है? तो हम चलो, तो हमें अब कंपेयर करना है। अब कंपेयर करने के लिए हमें दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया है, सोडियम और पोटेशियम का, और सोडियम और मैग्नीशियम है, Mg है, सोडियम और मैग्नीशियम है। तो हमने दो चीजें कंपेयर करने के लिए, आंसर इसका सोडियम होगा और इसका मैग्नीशियम होगा, ओके? तो ध्यान से सुनना कि हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के लिए अब सोचो, ये इलेक्ट्रॉन जितना अट्रैक्शन में होगा, सोचना, ये इलेक्ट्रॉन जितना अट्रैक्शन में होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए, यस और नो? यानी कि अगर हम कंपेयर करें तो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. तो मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही उसको बाहर निकालने में डिफिकल्टी क्या होगी, ज्यादा होगा तो एनर्जी, मोर एनर्जी विल सप्लाई, मोर एनर्जी विल सप्लाई. तब उस केस में हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को सप्लाई करना पड़ जाएगा और तब जाके वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा. तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर वन और टू ही सोल्व करना, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट पे ध्यान देने का. तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होगा, यानी उतना ही ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. तो बात सब पे आके हमारा कहां फंस जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे. हम कैसे मालूम करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है और किस में कम है? तो मैं तुम्हें एक बॉक्स बनवाया था, बराबर है क्या? अब इस बॉक्स में मैं तुम्हें लिखवाया था क्या, सबसे पहले आप क्या निकालो, नंबर ऑफ ऑर्बिट. सबसे पहले आप निकालो नंबर ऑफ ऑर्बिट. बराबर है क्या? सबसे पहले आप निकालो नंबर ऑफ ऑर्बिट. नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के बाद क्या हो जाता है, अनइक्वल आता है या तो इक्वल आता है ना. अब मुझे यहीं पर बताते चल जाना, ये इलेक्ट्रॉन जो है तीन ऑर्बिट है और ये चार ऑर्बिट है. अब मुझे बताओ पास वाला का अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि दूर वाला का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आंसर करो. पास वाला का ज्यादा होगा या दूर वाला का ज्यादा होगा? पास वाले का ज्यादा होगा. ये आपको सोचना है कि जब अनइक्वल आए और ऑर्बिट कम आ जाए, मैं सिंबॉलिक में लिख रहा हूं, ऑर्बिट कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा. तो डिफिकल्ट होगा रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. तो एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा या कम सप्लाई करना पड़ेगा? आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, मोर. तो यहां पर आके इतना सोच लोगे ना, सोचोगे ऑर्बिट इसका तीन है, इसका ऑर्बिट चार है, तो ऑर्बिट तीन और चार आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर वन हमारा इसी बेसिस पे हर बार सोल्व होगा. मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें रेडियस पे इसी में बताया था मैंने, यानी क्वेश्चन नंबर वन में एक ऑर्बिट तीन है और एक ऑर्बिट चार है. ऑर्बिट जिसका कम होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ज्यादा होगा. ये इलेक्ट्रॉन अभी प्रोटॉन के पास मत जाना, यानी कि प्रोटॉन के पास चले गए, कल भी तुम याद है ना कि सोडियम और पोटेशियम में जेड इफेक्टिव क्या था, सेम लग रहा था. तो यहां पर हम ऑर्बिट के अकॉर्डिंग जाएंगे, बराबर है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर पे डिपेंड करेगा. यहाँ पे आर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा. जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वहां के इलेक्ट्रॉन्स निकालने में क्या होगा, डिफिकल्ट. यहां इलेक्ट्रॉन्स निकालने में क्या होगा, डिफिकल्ट. जब डिफिकल्ट होगा तो उसमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं बोलू आयोनेशन एनर्जी फॉर पोटेशियम, शॉर्ट में मैंने लिखा आयोनेशन एनर्जी, दोनों में से किसका ज्यादा होगा, यहां, यानी यहां पर एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा. लॉजिक समझ में आ गया क्यों? तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि सोडियम हैज मोर आयोनेशन एनर्जी देन पोटेशियम, व्हाई?
क्वेश्चन ये है, व्हाई सोडियम हैज मोर आयनेशन पोटेंशियल देन सोडियम, व्हाई? तुम आंसर क्या करोगे? तुम बोलोगे बोथ हैव अनइक्वल ऑर्बिट. हियर सुन लो पहले तब लिखना, हियर सोडियम हैज 3 ऑर्बिट एंड पोटेशियम हैज 4 ऑर्बिट. ठीक है, लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं, एक लिखवा रहा हूं, बाकी इसी कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे. ओके, लिखो हियर, पहले क्वेश्चन लिख लो, व्हाई सोडियम हैज मोर आयनेशन पोटेंशियल देन पोटेशियम. व्हाई सोडियम हैज मोर, व्हाई सोडियम हैज मोर आयनेशन पोटेंशियल या आयनेशन एनर्जी, दोनों का मतलब एक ही होता है, देन पोटेशियम. रीजन लिखो, इन सोडियम हैज ओनली 3 ऑर्बिट, इन सोडियम हैज ओनली 3 ऑर्बिट एंड पोटेशियम हैज 4 ऑर्बिट. इन सोडियम हैज 3 ऑर्बिट एंड पोटेशियम हैज 4 ऑर्बिट. इन सोडियम हैज 3 ऑर्बिट एंड पोटेशियम हैज 4 ऑर्बिट. इन सोडियम हैज 3 ऑर्बिट एंड पोटेशियम हैज 4 ऑर्बिट. सोडियम हैज 3 ऑर्बिट एंड पोटेशियम हैज 4 ऑर्बिट. आगे लिखना, एंड वी नो दैट if number of orbit will be less, then more force of attraction will applied. Then more force of attraction will applied. And more difficult to remove an electron. And more difficult to remove an electron. That's why more energy will required to remove outer shell electron. That's why more energy will required to remove outer shell electron in sodium. तो जब जब तुम्हें ऑर्बिट का डिफरेंस दिखे, बार बार यही लॉजिक लगाना है. मैं तुम्हें केवल सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल्स लेने के लिए बोला हूं, ये नहीं कि हर बार सोडियम और पोटेशियम ही आएगा. ये सोडियम और पोटेशियम को मैं एज ए एग्जांपल लेके तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया हूं. तो जब जब तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्बिट दिखे, यही कॉन्सेप्ट को अपनाना है. बराबर है? अब रहा बात क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑर्बिट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है. ऑर्बिट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है. तो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट क्लास में हम देंगे. ओके, तो जो मैं तुम्हें होमवर्क दिया हूं उसको कंप्लीट करो अच्छे से, रेडियस का क्वेश्चन करो, ठीक है, और जो सिलेबस ना रहा उसको अच्छे से प्रिपेयर करो. प्रिपेयर का क्या क्या रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, सारे चीज मैंने डिस्कस किया तुमसे.